हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है एक नए गेम में जिसका नाम है स्टील एंड फ्लैश फौलाद और मांस फ्लैश टू। यस, स्टील एंड फ्लैश टू मेडिवल जमाने का ये गेम है। मैंने थोड़ा खेला था, ये थोड़ा आइडिया भी लिया यूट्यूब देखकर। इतना पूरा आइडिया नहीं है मुझे इस गेम के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मिला। तो यहाँ पर हम एक साम्राज्य स्थापित करेंगे आज। यस, एक साम्राज्य का स्थापना होगा। न्यू गेम। यस, होल वर्ल्ड 13th सेंचुरी में घटित हो रहा है घटना, और हमें अपना कैसल बनाना है, कैसल कैप्चर करना है। बना भी सकते हैं शायद, देखना पड़ेगा। बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ, अपना खुद का ज़मीन खरीद के, और अपना खुद का आर्मी क्रिएट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं लोगों पर। ऑफलाइन खेलूँगा मैं, ऑनलाइन नहीं। न्यू गेम, पहले बाहुबली होकर खेला था, लेकिन अभी न्यू गेम करता हूँ। डिफ़िकल्टी वेरी लो रखता हूँ, वेरी लो, क्योंकि देखो वेरी लो करने से स्टार्टिंग कॉइन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वेरी लो करके करूँगा। योर नेम, मेरा नाम क्या रखूँ? गेमर खिलाड़ी रखता हूँ। यस, और राज्य का नाम क्या होगा? मुझे पता है क्या होगा। कोनोहागाकुरे नो सातो, इसका फुल फॉर्म कोनोहागाकुरे। यस, और इन व्हाट प्लेस यू अपीयर? पोलैंड पायरेट्स? नहीं, इंडियन डायनेस्टी। यस, Who are you? फिशरमैन बन, हमारा ओरिजिन स्टोरी क्या होगा? फिशरमैन, डिमोटेड सोल्जर, हंटर, ब्लैकस्मिथ, इम्पोवरिज्ड फार्मर, रुइंड मर्चेंट, शेफर्ड, पुअर मैन करके देखूं। ब्लैकस्मिथ करता हूँ। मैंने देखा है टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ वीडियोस, उनमें ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ब्लैकस्मिथ होके बनो, क्योंकि शिकारी बन के मैंने खेला था पहले, तो बहुत सारा इन्वेंटरी में पहले से मीट, लेदर, ये सब था। और ब्लैकस्मिथ होके बनने से मैंने देखा है बहुत सारे वेपन्स, चीज़ें, ऐसे चीज़ें, मेटल इंग्रेडिएंट्स, ये सब इन्वेंटरी में पहले से होते हैं, वो सब बेच के पैसा मिलेगा। और तो यहाँ पे अभी हम अलॉट करना पड़ेगा, हमें अलॉट पावर इज, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। करिश्मा, लीडरशिप, करिश्मा करने से लीडरशिप बढ़ा सकता हूँ मैं। करिश्मा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 2-3, और यहाँ पे पावर बढ़ा दो। याद नहीं किसने, किसका वीडियो था, फॉरेन वीडियो था, तो उस पर खुद अकेले जाके मार रहा था लोगों को बिना कोई आर्मी लिए। लीडरशिप बढ़ा देता हूँ पूरा, ये यहाँ पे 35। फिर मैं अपना खुद का पावर बढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ, वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद अकेले जाके एनिमीज को मार रहा था, तो उसके लिए स्टेमिना ये सब बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेंटरी बढ़ाऊंगा, पहले हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। यस, देखता हूँ, ये करके देखता हूँ, मुझे मन है ऐसा करने का। ठीक है, एथलेटिज्म, ये क्या है, स्पीड इंक्रीजेस द मूवमेंट स्पीड इन बैटल। यस, पूरा डालो। ठीक है, और हॉर्स राइडिंग, बो, क्रॉसबो, थ्रोइंग, थ्रोन वेपन्स बहुत जोरदार जाएंगे। शील्ड बिल्डिंग मैंने नहीं किया, करना चाहिए था, जो भी हो बाद में देखूंगा। इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, टेक्निक, यस ये करूंगा, टेक्टिक,
दुश्मनों की मात्रा ज्यादा होने से हमें एडवांटेज मिलता है। मैं तो अकेला जाने की सोच रहा हूँ, मैं करके देखूंगा, ये मेरा प्लान है, अकेले अटैक करने का प्लान है। ब्लैक स्मिथिंग, सी फेयरिंग, पैकेजिंग, लूटिंग लूटिंग चीज़ें चाहिए। इन्वेंटरी वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस होता है इन्वेंटरी का, इसलिए ये नहीं बढ़ाया, लूटिंग पे दिया, ज़्यादा चीज़ें मिलेगा। ऑलराइट, तो हम लोग कहाँ पर हैं अब इस समय? देखो 25,000 गोल्ड कॉइन के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, वारंगल। वारंगल, अरे वाह, कहाँ पर है? साउथ इंडिया लग रहा है नाम। अच्छा, उस तरफ वारंगल, हम रेड इलाके पे हैं, इंडियन डायनेस्टी पर हैं। किनारे ग्रीन, पटना ये सब है, और शोगुनेट उस तरफ है, जापान का तरफ। ओके, चलता हूँ मैं अभी। मेरा प्लान अभी क्या है? ज़मीन खरीदने का है, अपना बिजनेस स्थापित करने का है मुझे। मैंने पहले थोड़ा खेला था तो देखा, आर्मी मेंटेन करने में ही पूरा खर्चा, बहुत पैसा चला जाता है, पॉकेट खाली हो जाता है, और बाद में कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आर्मी को मेंटेन करने में ही बहुत खर्चा हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। मेरा प्लान है पूरे ग्लोब में, यहाँ में बहुत सारे शहर हैं, वहाँ सभी जगह मेन मेन कस्बों पर अपना बिजनेस स्थापित करूँगा। उससे बहुत कमाई होना चाहिए, अब देखता हूँ खर्चा कितना होगा। मेंटेन ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं ये पता नहीं, मैंने ऐसा सोचा, यूं ही एक आइडिया आया कि पूरे सब जगह अपना बिजनेस बनाऊँगा पहले, तब पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो आर्मी मेंटेन करने का प्रॉब्लम नहीं, खर्चा निकल जाएगा अपने इनकम से ही। तो मैं यही सोच रहा हूँ पहले अपना प्रोडक्शन, जैसे प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी पर मैं पहले प्रोडक्शन पर ध्यान देता हूँ, उसी तरह यहाँ भी पहले गोल्ड कमाई पे ध्यान दो। पहले कमर में जोर होना पड़ेगा, तभी तो हम मेंटेन कर पाएंगे अपना खुद का आर्मी। इसलिए पहले मैं, यस, मार्केट शिप्स, फाइट स्क्वाड, मार्केट सेल करो। मेरे पास यहाँ पे कई चीज़ें बेच सकता हूँ, तो मेरे पास थिंग्स है। देखो मेरे पास ये तलवार पहले से है, सब बेच दो। देखो 54,150 हो गया, ये भी बेचो, मेटल्स इतने सारे। उश, नाइस, बैगेज एनिमल नहीं है मेरे पास। अब देखता हूँ कुछ रिक्रूट सोल्जर्स, नहीं मार्केट, जमीन खरीद नहीं सकता यहाँ। हॉर्स स्टेबल, हॉर्सेस, एक घोड़ा ले लो क्या, जल्दी होगी ट्रेवलिंग में। लेकिन यहाँ घोड़ों का कीमत बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लेने वाला। ओके, रहने दो, आर्मर वार्मर बाद में, अभी पहले बिजनेस करना है। इंडियन डायनेस्टी महल का राजा है राजेंद्र घोला, चोला, राजेंद्र चोला III, उनके पास 70 सैन्य है, चोला डायनेस्टी, नाइस। तभी ज़मीन कहाँ पर खरीदूँ, यहाँ खरीद नहीं सकता, सीपोर्ट है। वारंगल चल के देखता हूँ, यहाँ पर या यहाँ पे, ओ अच्छा अच्छा मेन महल पर खरीद सकता हूँ शायद, छोटे महलों पर नहीं। पहले यहाँ देखता हूँ, वारंगल छोटा सा दुर्ग दिख रहा है, यहाँ पर देखता हूँ ज़मीन खरीद सकता हूँ कि नहीं। टाउन, यस, खरीद सकता हूँ। पहले वहाँ क्यों ऑप्शन आया नहीं, पता नहीं। स्ट्रॉल अराउंड द सिटी, टेवर्न, देखो बायलैंड, क्रिएट प्रोडक्शन, जमीन खरीदूं या, वेट अच्छा तो बाय हम मैंने अच्छा मैं गलत था, मैंने सोचा जमीन खरीद के बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन यहाँ जमीन भी खरीद सकते हैं, बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो जमीन खरीदो ना, बिजनेस क्रिएट करना चाहिए पहले, वरना जमीन का टैक्स दे के हालत का। ओ अच्छा, ये सब कर सकता हूँ मैं, इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। ओ, विंड मिल, सॉ मिल, स्टेबल, अपना घोड़ा बेच सकता हूँ, स्पिगी, स्कूप, बार्न। अच्छा, पहले जमीन पे बहुत खर्चा है, पहले इस तरफ आके देखता हूँ यहाँ कितना खर्चा है। पिक्स्टी, बार्न, बार्न में कितना खर्चा है, रेंटल
ऑफ प्रीमिसेस। बिजनेस, पहले तो जमीन खरीद सकता हूँ लेकिन अभी यहाँ पे 700 रुपये रेंटल, ये हम किसी दूसरे के जमीन पे रेंटल बिजनेस खोल सकते हैं, इसमें लाभ है। अभी अपना पैसा खर्च नहीं करना जमीन खरीद के। तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो लड़ाई का गेम है, मैं क्या कर रहा हूँ। यस, मुझे, मेरा मन है पहले बिजनेस स्टार्ट करूँगा, फिर अच्छा कमाई होगा, प्रॉफिट होगा तो मेंटेन होगा, ये मेरा मानना है। पहले प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी हम अपना सैन्य मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो थोड़ा खेला था उस पर कर्जा बहुत हो गया था, सैन्य डेजर्ट कर रहे थे, सैन्य का सैलरी दे नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल हो गया था। इसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेस, स्टोन चाहिए, वुड चाहिए, अब ये कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट, बाय द नेसेसरी रिसोर्सेस, कहाँ से मिलेगा। 8 वुड चाहिए और 5 स्टोन चाहिए। अच्छा, मार्केट से खरीद सकता हूँ शायद, 8 वुड 5 स्टोन, ओके, मार्केट, फूड नहीं, प्रोविजंस, डाइवर्सिटी, रिसोर्सेस, यस, कैसे कर दो, एक और पत्थर, और ठीक है खरीद लो। हुआ क्या, वेट, मैंने तो खरीद लिया, कितना खरीदा, एक मिनट, इन्वेंटरी, अदर्स, 250 वुड खरीद लिया, कोई बात नहीं, बाद में भी काम आएगा, एक बार में खरीद लिया, अभी देखता हूँ। टाउन, क्रिएट प्रोडक्शन, एम्प्टी, यहाँ पे एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 स्लॉट्स है, 5 बिजनेस एक जगह खरीद खोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले। मैं इतना श्योर नहीं हूँ क्या होगा, कमाई होना चाहिए, मैंने बिजनेस का ऑप्शन देखा तो बिजनेस चूज किया, क्योंकि देखो लड़ाई तो बाद में करूंगा टाइम पास के लिए, लड़ाई करके देख लिया मैंने इतना लाभ नहीं होता, इसलिए पहले बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, जेब में माल होगा तभी कमाल होगा, समझे। चलो है तो मैंने तो खरीदा, तो नेक्स्ट, अरे भाई खरीदा तो मैंने, वुड और स्टोन खरीदा मैंने, करना क्या है। तो ये सिंगल स्टोन है क्या, ले लो खरीद लो, ठीक है खरीद लिया, यस, लोहा नहीं तो वुड कहाँ से लूं, अभी देखता हूं मेरे पास क्या है। यस, तो मतलब यहाँ पे 5 स्टोन नहीं, यहाँ पे मैं सोच रहा था, देखो यहाँ पर, देखो 100, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ये असल में इसका दाम है, मुझे लगा 100 पत्थर खरीद लिया मैंने, तो मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया मैंने स्टोन। अभी यहाँ पे एक ही वुड एक ही था, यहाँ पर चल के देखता हूँ यहाँ पे मिलेगा शायद। 8 वुड चाहिए, 1 वुड है मेरे पास, 7 और खरीदना पड़ेगा। मार्केट, डाइवर्सिटी, रिसोर्सेस, यहाँ पे 8 है ना, तो 7 लेना है, 1, 2, 3, 4, ओके, यहाँ भी ख़त्म, दूसरा जगह चलो। एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ भी तो खोल सकता हूँ दंतापुरा में, यहाँ पे देखो, यहाँ 144 सेना है, ज़्यादा सेफ होगा, पहले बिजनेस छोटे जगह शुरू ना करके यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित होगा मेरा बिजनेस, फिर बाद में अलग अलग जगह। चलो यहाँ पे चलो, और अभी दुश्मन नहीं बनाने वाला, दुश्मन बनाने से वहाँ कुछ खरीद नहीं सकता, वहाँ कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन बना लेने से हमें घुसने ही नहीं देंगे वो लोग, इसलिए पहले किसी से दुश्मनी नहीं करना, बैंडिट से कर सकता हूँ वो अलग बात, वो बाद में देखा जाएगा, पहले मैं पैसा कमाऊंगा, फिर अपने लिए हथियार खरीदूंगा, आर्मर खरीदूंगा और अकेले चला जाऊंगा युद्ध करने, मुझे कोई सेना वेना की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ।
बाद में पछताना पड़ेगा शायद मुझे ये डायलॉग मारने के लिए। एक मिनट, मेरे पास कितना वुड है? 5 वुड है शायद। वेट, अदर 1, 2, 3, 4, 5 है, 3 चाहिए। ऑलराइट, मार्केट डाइवर्सिटी रिसोर्स 3 चाहिए, यहाँ पे है 3, 1, 2, 3। ऑलराइट, लेट्स गो। यहाँ पे तो हमारा पहला बिजनेस दंतपुरा में शुरू करेंगे। चलो, एक बिजनेस से कितना कमाई होगा देखना है। पत्थर और खरीद सकता हूँ और बिजनेस शुरू करने में काम आएगा। मैं यही करता हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, पहले एक बिजनेस शुरू करके देखता हूँ क्या क्या करना पड़ता है, फिर क्या क्या प्रोसेस क्या है पहले ये जान लूँ, फिर पूरा 5 के 5 स्लॉट्स भर दूंगा बिजनेस करके। यस, क्रिएट प्रोडक्शन, यस। यहाँ पे एरेना भी है, स्ट्रॉल अराउंड द सिटी टेवर्न, बाय लैंड टेवर्न पर क्या काम? क्रिएट प्रोडक्शन, ये देखो बार्न, और फिर पिक्सटी बार्न, ये कूप। सबसे ज्यादा लाभ किस पे है? बार्न में ज्यादा लाभ होगा शायद। देखो सबसे कम पहले, फिर सबसे ज्यादा यहां, यही करता हूं। ओ, ये सब चाहिए, माय गॉड, ये सब चाहिए, मेरे पास नहीं है। बैरल ऑफ वाटर चाहिए, काउंटर, कैबिनेट, शेल्विंग, थ्रो, ट्रोफ, ट्रो, बैरल ऑफ वाटर, बैरल ऑफ वाटर 2 चाहिए, नहीं है। और रिक्रूट भी करना है, पहले एक ही बिजनेस करूंगा मैं, पहले एक बिजनेस करूंगा, एक स्लॉट, फिर दूसरा करके देखूंगा। बैरल ऑफ वाटर 2 चाहिए, लिस्ट बना के रखना चाहिए, लिस्ट बनाना पड़ेगा शायद। ट्रफ 3, बैरल ऑफ वाटर 2, टेवर्न चल के देखता हूं। ये मैं हूं, हेलो सर, हैव यू सीन यू। अच्छा ठीक है, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वैसे घूम सकता हूँ, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन बन के घूम सकता हूँ टाउन टेवर्न, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं टाउन वाउन घूम के। बाद में दिखाऊंगा तुम लोगों को, पहले मुझे अपना प्रोडक्शन ये सब ठीक करना है। डाइवर्सिटी, यस डाइवर्सिटी, रिसोर्सेस नहीं, ट्रॉव है ना, ये क्या था, ट्रॉव है क्या? सब खरीद लो, ठीक है। अब टाउन, क्रिएट प्रोडक्शन, बार्न, यस। नेसेसरी आइटम्स नहीं है मेरे पास, क्यों, मैंने तो खरीदा ना। ओ, व्यू इन्वेंटरी, कैबिनेट चाहिए, एक कैबिनेट चाहिए, 2 कैबिनेट चाहिए, और 2 बैरल ऑफ वाटर चाहिए। ऑलराइट, 2 कैबिनेट और 2 बैरल ऑफ वाटर, ऑलराइट, यहाँ पे मिल जाएगा। पास में वारंगल है ना, वारंगल से खरीदूंगा, उधर भी है कुछ कुछ। दो कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट है 1, बैरल ऑफ वाटर भी 2 चाहिए, बैरल ऑफ वाटर यहाँ नहीं है। यस, मेरा आइडिया ठीक ही है, पहले एक बिजनेस खोलूँगा। खर्चा बहुत है स्टार्ट करना, एक बिजनेस स्टार्ट करने में खर्चा है। मार्केट चलो, डाइवर्सिटी, अदर्स, कैबिनेट लो, और यह बैरल नहीं है,
बैरल ऑफ वाटर नहीं है, ठीक है। यहां से लेता हूं पोर्ट वारंगल, पोर्ट वारंगल, ओनर राजेंद्र चौला जी हैं यहां के भी। डाइवर्सिटी अदर, बैरल ऑफ वाटर ये है क्या? ना, अरे बैरल ऑफ वाटर मिल नहीं रहा मुझे। यहां पे देखता हूं, ये अलग राज्य में जाके देखता हूं, ये दिल्ली सल्तनत, इन यहां के ओनर है शिहाबुद्दीन उमर। देखता हूं यहां उमर साहब के राज्य में बैरल ऑफ वाटर है, मिल गया। ऑल राइट, अब मैं अपना शुरू करूंगा बिजनेस, भले एक बिजनेस लेकिन चिंता की बात नहीं, ये तो शुरुआत है। बाद में मेरा प्लान है अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का, बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का आइडिया है, सोच रहा हूं मैं। हो गया, यस, रन करूं, रन बाय एनिमल्स, माय गॉड, गाय खरीदना पड़ेगा, कितना गाय? रूम, एंटर द रूम, ओ ओ, देखते हैं हमने जो, ये देखो ये हमारा बार्न है, ये बार्न है, अरे वाह, ये तो घर, ये बार्न तो बार्न कम और एक घर ज्यादा लग रहा है, इतना सुंदर बार्न। यहाँ पे हमारे गाय रहेंगे, मेरा गाय रहेंगे यहाँ, मेरे गाय यहाँ पे चारा खाएंगे, और यहाँ पे पानी। ऑलराइट, तो गाय कितना खरीदना है? एक दो तीन, तीन जगह है, तीन गाय खरीदना है शायद। ऑलराइट, यहाँ बोला नहीं कितना गाय खरीदना है, चलो बाहर चल के देखता हूँ। यहीं पे हो, मिल जाएगा शायद गाय, और एक्स्ट्रा तीन गाय खरीद के देखता हूँ, क्योंकि जगह तो तीन है। तो डाइवर्सिटी एनिमल्स, दो गाय खरीद सकता हूँ, पैसा तो है, यस, और एक गाय खरीदूंगा, तीन जगह देखा है ना, तो शिहाबुद्दीन जी के यहाँ चलता हूँ। अभी दोस्ती बनाए रखना है सभी के साथ, फिर बाद में दिखाऊंगा सबको कि ये सब तो ढोंग था, मेरा ढोंग था ये सब, इरादा तो मेरा राज करने का है। एक बार्न है, रन बाय एनिमल्स, ओके, मैनेजमेंट पे जाना है शायद। खरीदा नहीं क्या मैंने गाय? ओके, ऑप्शन रेटेड कंट्रोल में ही ना, ना ना, बाद में शांति से दूसरे बिजनेस खोलूंगा, अभी सीख रहा हूं मैं क्या क्या करना चाहिए, ये सब सीख रहा हूं। बाय लैंड नहीं, बार्न, मैनेजमेंट, गाय है तो गए, वन टू थ्री, देखो तीन गाय हैं। रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज, नेसेसरी रिसोर्सेज है, ओट्स, बार्ली, ये सब चाहिए, सोर्गम, स्ट्रो, वर्कर्स रिक्रूट करूंगा पहले, रूम, मैनेजमेंट, है खरीदना पड़ेगा, है, ओट्स, बार्ली, स्ट्रो, मार्केट चलता हूँ, डाइवर्सिटी अदर, रिसोर्सेस ना यहाँ पे नहीं है, अरे मैंने खरीद लिया गलती से, प्रोविजंस, डाइवर्सिटी, प्रोविजंस, फोडर, यस, ओ या, बेच देता हूँ एक, ले लिया ये मेटल, बेचो,
इन सबको भी बेच दिया क्योंकि एक्स्ट्रा बाद में ज़रूरत पड़ने से खरीद लूँगा। ऑलराइट लेट्स गो। फोर्डर खरीद लिया, फिर लोगों को रिक्रूट करना पड़े। पूरा नहीं लगा दो रिजर्व, इतना सब लगा दिया, बाद में घर जाने से फिर से दोबारा खरीद लूंगा। ठीक है, तो वर्कर्स, अच्छा सेलर रिक्रूट, अच्छा वर्कर 1 2 3, ठीक है। ये क्या सेलर, वीकली सैलरी सेलर, अच्छा ये बेचेगा, हमें बेचने की, हमें इन सब की चिंता लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ बेचना है दूध, ये बेचेगा। रिक्रूट, इसको भी वीकली सैलरी 380। रिक्रूट हो गया, अभी प्रोडक्ट्स नहीं हुआ, रन। ओ मेरा खुद का ग्वाला, गौशाला, चलो एंटर द रूम, देखते हैं काम करते हैं कि नहीं, अच्छी तरह काम करने से ठीक है वरना निकाल दूंगा इनको नौकरी से। ये देखो मैंने रिक्रूट किया, अच्छे से काम करो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रॉब्लम निकलता है तो मुझे बताना। ओके तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? अरे बाप रे, मेरा गाय पुकार रही है, क्या हुआ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम? ध्यान से इनका, इनकी देखभाल करना, बहुत प्यारे हैं ये, मेरे बहुत प्यारे हैं। ऑलराइट चलो निकलता हूँ, बाहर से देखना है मुझे, मेरा ये रहा मेरा फार्म, ये रहा, इधर क्या है, ये है टाउन के अंदर का दृश्य, बहुत सुंदर है। हेलो सर, हेलो सर, आई हैव टू गो सी यू सून। अच्छा अभी सैलरी वाली बिजनेस बाद में देखूंगा, बिजनेस कैसा फल लेता है मुझे इतना पता नहीं, ये एक्सपेरिमेंट है, आई होप कमाई अच्छा होगा। वैसे कमाई कब होगा, 1 वीक लेटर शायद, क्योंकि पहले भी सैलरी लेने, सैलरी का बात 1 वीक लेटर ही होता था पहले भी, सोल्जर्स का सैलरी ये सब। ओके तो अभी रिक्रूट करना पड़ेगा, मेरे पास थोड़ा पैसा है, चलो रिक्रूट सोल्जर्स, टेवर्न चलता हूँ। देर आर नो वॉलंटियर्स हु वांट टू जॉइन यू, व्हाट वॉलंटियर्स नहीं चाहिए, टेवर्न चलो ना। ओके यहाँ नहीं, बाहर चलो, मैं ये देखना चाहता हूँ बिजनेस अगर लाभदायक हो तो बिजनेस, पहले तो इंडिया में बिजनेस करूँगा फिर बाहर जाऊँगा बिजनेस करने। वारंगल में रिक्रूट, देर आर नो वॉलंटियर्स फॉर यू टू रिक्रूट, व्हाई? एक चीज करता हूँ, मेरा ये कैरेक्टर है ना इसको चेंज करना है। यस ये तो डाकू डाकू लग रहा है, ये ठीक है। यस यस ऑलराइट, अभी इधर चल के देखता हूँ फोर्ट वारंगल, यहाँ भी रिक्रूट करने का है। यस टेवर्न पर है लोग, तो अभी एलाइट्स डायरेक्ट में रिक्रूट नहीं कर सकता एलाइट्स, क्योंकि बहुत हाई लेवल के हैं, ट्रेंड तो कर पाना चाहिए, एक्सपर्ट, यस एक्सपर्ट मिल गया। नाइट स्पीयरमैन, यस आर्चर ले लो, ठीक है कैप्टिव नहीं है। ऑलराइट तो अभी मेरे पास कितने हैं स्क्वाड,
मुझे ज़्यादा रिक्रूट नहीं करना, पहली बार जब खेला था तो मैंने गलती कर दी थी, 90 से ज़्यादा रिक्रूट एकदम पहले ही कर लिया था, पूरा पैसा रिक्रूटमेंट पे ही लगा दिया था, और फिर मुझे क्या पता बाद में सैलरी देना पड़ेगा सैलरी सिस्टम में मुझे नहीं पता, तब पता नहीं था। फिर बाद में ज़मीन के नीचे पैरों तले ज़मीन खिसक गया। स्क्वाड कितने सारे हैं? 16। ओके एक हथियार खरीद लेता हूँ। ओके मार्केट वेपन, मिली वेपन, रेंज्ड वेपन, भाला है, भाला वाला, भाला फेंक के मारना है, नहीं है यहाँ पर ये था, स्पीयर 24 डैमेज 57 डैमेज, ये दो यही दो, ठीक है स्पीयर। आर्मर ले लेता हूँ, हेलमेट, ये बहुत ज़्यादा दाम आर्मर्स का, हेड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस, पगड़ी ये ले लेता हूँ, 28 डिफेंस, ओके कॉस्ट्यूम बजट के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, डिफेंस 3rd, ठीक है शील्ड लेना जरूरी है, शील्ड जूता भी खरीदना है मुझे, मैंने जूता नहीं खरीदा, ही लेता हूं, ओके ओके अब देखता हूँ, प्लेयर इन्वेंटरी कहाँ गया, इधर, ओके सब फिट कर लिया मैंने, घोड़ा नहीं है मेरे पास, अब चल के एक अटैक करना है किसी बैंडिट पर, अकेले करूँगा, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं फाइट, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, और हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ सैनिक भी है, तो इसलिए अच्छी बात, ढूंढ रहा हूँ बैंडिट वेंडिट कहीं पर, इधर उधर घूमते रहता है बैंडिट्स, डेजर्ट बैंडिट्स, ओ विलेज पर अटैक करके बैठे हुए हैं बैंडिट्स, बाद में अभी नहीं, कहीं पर बैंडिट मिल जाए, ये रहा बैंडिट, लेट्स गो, ये रहा डेजर्ट बैंडिट लीडर, ध्यान रखना चाहिए काला रंग मतलब बैंडिट, गुड आफ्टरनून सर, अरे इतनी अच्छी तरह बात कर रहे हैं बैंडिट्स, इतनी अच्छी तरह बात करने से अटैक कैसे करूंगा, मुझे ही बुरा लगेगा अटैक करने में, गुड बोल रहा है, गुड आफ्टरनून सर, सर बोला मुझे बैंडिट, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हिचकिचाइए मत, बेचारा इतनी अच्छी तरह, इतना व्यवहार अच्छा है, इतनी अच्छी तरह प्यार से बात कर रहे हैं सर बोल के, और मैं डायरेक्ट यू आर गोइंग टू डाई ऐसा कैसे बोलूं, माय नेम इज गेमर खिलाड़ी, ग्लेड टू मीट यू, ग्लेड टू मीट यू गेमर खिलाड़ी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, हेलो, अच्छा मुझे आपके बारे में पता नहीं, टेल मी अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ, माय नेम इज डेजर्ट बैंडिट लीडर, आई एम फ्रॉम द स्टेट ऑफ बैंडिट्स, आई हैव नो पोजेशन एट द मोमेंट, ओ गेट रेडी फॉर बैटल, आई हैव टू गो सी यू सून, बुरा लग रहा है मुझे, इतना अच्छा अच्छी तरह बात कर रहा है, अभी अटैक कैसे करूं, मुझे करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हुआ, मुझे नहीं पता इनकम कितना होगा उस बिजनेस से, उससे मैं सैन्य संभाल सकता हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, आई एम सॉरी मिस्टर बैंडिट, आई एम सॉरी, गेट रेडी फॉर बैटल, कॉम्बैट
32 है उनका और मेरा 16। भूत होके हारेगा। फाइट। अपीयर इन द सेज टावर टैक्टिकल एडवांटेज टाइम फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ट्रूप्स। वेट, मेरे पास तलवार था ना, मेरे खरीदा तलवार क्या हुआ? दौड़ ना भाई। दौड़ 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 उस तरफ। मैंने भाला खरीदा था, क्या हुआ? तेरी की। भाला खरीदा था। वेट 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 वेट। ऑप्शंस। इतना धीरे मार रहा है। धत तेरी की। मैंने उनका उनका संख्या नहीं देखा या डायरेक्ट अटैक कर दिया। ऑल राइट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कोनोहागाकुरे डिक्लेयर्स वार, बैंडिट्स डिक्लेयर वार ऑन कोनोहागाकुरे, रीजन अटैक्स ऑन डेजर्ट बैंडिट्स। नहीं नहीं, सोचो ये क्या हुआ, मैं कहाँ आ गया? यहां पर क्यों? तो वहां पर था ना, नॉर्वे पहुंचा दिया मुझे इंडिया से। व्हाट, स्पॉनिंग कहां पहुंचा दिया मुझे? रशिया के पास पहुंचा दिया मुझे। यहां आना है। वारंगल दंतपुरा, यहां जाना है। ठीक है, ये आते आते मैं बात कर लेता हूं थोड़ा। मैंने जो भाला लिया था वो इक्विप नहीं किया क्या? ड्रेस खरीदा था वो क्या हुआ? इन्वेंटरी थिंग्स। ओ ये सब पहना ही नहीं मैंने, ढाल भी नहीं था। ये सब लेना चाहिए था, बट कॉस्ट्यूम बिना पहने चला गया तलवार लेके। भाला होने से दूर से फेंक पाता। देखो इस तरफ, यहां भी थोड़ा एक्शन फाइट कर लेता हूं। 14 है फॉरेस्ट बैंडिट्स। ठीक है चलो 14 के साथ फाइट करके देखता हूं। Where are you going, coward? My guns will tear you into belts. My guys will tear you into belts. ऐसा बात करो ठीक है, तब फाइट करने का मन करता है। अटैक, फाइट। हो गया, अब देखता हूं होता है कि नहीं। फेंक के मारेगा कैसे? We'll be right back.
हेक के मारू कैसे, पोलान था शायद, भाला नहीं। आ जाओ, कोई बात नहीं, फाइट करूंगा। कम हियर। मुझे सीखना पड़ेगा थ्रो कैसे करते हैं। पोलान था ना, लेंस था। मैं हूं, यहां से निकलना पड़ेगा। देखो, प्लेयर लेवल, यस, यहां पे वापस नहीं कर सकता। री ओ, वापस से अलॉट कर नहीं सकता। ओके, तो नवगोर्द पहुंचा दिया, नवग्रोध इंडिया से। तो गुड बाय एवरीवन, आई थिंक मैं अभी यहीं पे एंड करूंगा वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड देखना है पैसा कितना कमाता है हमारा कैरेक्टर और माउंटेन बैंडिट्स 29 है। चलो देखना ही है, 29 हो, 100 हो, 50 हो, आई डोंट केयर। मुझे तो बस देखना है कि मेरा तीर कितना डैमेज करता है इनको। गो ऑन योर वे, वी विल गो ऑन आवर अटैक। ठीक है, दूर से आ रहे हैं शायद वो लोग। किधर से आएंगे? ओके, वो लोग वहां से आ रहे हैं। 29 लोग हैं। जा रहा है कि नहीं उन तक? इतने सारे आ रहे हैं। ओ, बहुत सारे आ रहे हैं। ओ, तीर चल रहा है, तीर चल रहा है। ये स्टेमिना कम है, ये चलता भी नहीं, इतना धीरे धीरे चल रहा है। ढाल है तुम्हारे पास, ढाल लो ना। धत तेरी की, एक बार में मर गया। बहुत हाई लेवल के हैं ये लोग। ओके, मुझसे नहीं होगा, ग्रुप से ही अटैक करना पड़ेगा। अकेले ट्राई किया मैंने, फिर से देखना पड़ेगा वो वीडियो, अकेले कैसे किया उसने, क्योंकि अकेले फाइट करने में लाभ है। उसने भाला जैसा कुछ हथियार फेंक के मारा था, तीर यूज़ नहीं किया। मैंने तो तीर यूज़ किया, क्योंकि वो उस जैसा कुछ मिला नहीं। भाला तो फेंक नहीं सकता यहाँ। ओके, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर। मैं अभी यही पे एंड करता हूँ, बहुत हो गया और हारने का मन नहीं। अब सीधा जाऊँगा अपने घर, बिजनेस संभालने।